हे सनत कुमार जी, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्षमी की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल की एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशी व्रत का वर्णन कर दिया। इस एकादशी व्रत के समान पूर्णप्रद व्रत न तो कभी हुआ और न होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्रीहरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूँगा। पूर्व में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बतलाऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा इस मंत्र से विष्णु की पूजा करे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार द्विज कद्रुद्राय इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें और स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सत्ययुग में मणिमय, त्रेता में सुवर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रकों को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखे और इस प्रकार कहे, हे प्रभो, क्रिया लोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे कहता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हों। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारें, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले, इस सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें, मैं आपका पूजन करूँगा, आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा, तत्पश्चात पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करे और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करे। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहे, हे देवदेव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत्य किए हैं उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊँ। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इस मंत्र के द्वारा पवित्रक अर्पण करे। तत्पश्चात महानैवेद्य अर्पित करके नीराजन कर प्रार्थना करे और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करे। तदनंतर इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें।
इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दे अथवा जल में विसर्जित कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ वास करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुंभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों एवं पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पत्र, तबक, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेतवर्ण, पके हुए, पुराने, दृढ़ तथा रसमय तांबूल संबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करे और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करे। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करे। मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्पक, अनंग, मनमथ, मार, कामात्म संभूत, झषकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है, ऐसे पुष्प धनवन, हे संबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपते, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे स्मर, हे सुंदर, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिव जी के द्वारा दग्ध हो गए। उस कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान ओजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलय गिरि पर उत्पन्न चंदन तथा अगुरु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत के सृष्टि के कारक, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्मस्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने की प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कलंक के कारण स्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। अधिक कहने से क्या लाभ? इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवन, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव
प्रवृत्ति मार्ग में विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में आपकी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया, अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है, वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराए। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्रक विधि के ही समान है, केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प में इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 38 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय, श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। सनत कुमार जी बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पौर्णवासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्म सुनने वाले की श्रमणेक्षा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है तथा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है, साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथियों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उस दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका आरंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांत से दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करे। अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करे। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए, ये दोनों कर्म आवश्यक हैं। अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करे। दीप की विधि बताई जाती है, सुवर्ण चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर गेहूँ भरकर गेहूँ के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए।
वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और तीन बत्तियों से युक्त हो, दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके यह मंत्र बोले। सदक्षिणः सतांबुलः सभादीपोऽयमुत्तमः अर्पितो देवदेवस्य मम सन्तु मनोरथाः। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव देव को निवेदित किया है, मेरे मनोरथ पूर्ण हों। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल वंश उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीपक का शुभ महात्म कह दिया। उसी रात्रि में श्रवणा कर्म का करना बताया गया है। तत्पश्चात वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रवण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां श्रांग धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद साम गान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में भी इस महोत्सव को मनाना चाहिए और हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए तथा उनके मंत्र का जप करना चाहिए। उस मंत्र को सुनिए, आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर, बाद में भगवते धर्माय जोड़कर, उसके बाद भी आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करके 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्करण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरस्करण इससे भी 4 गुने जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्त के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा, मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूँगी, उससे आप अजेय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानों सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोक में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन
कर दिया, जो विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है।